2020 इस पेंडेमिक लॉकडाउन के बाद कोई भी ऐसा एक इंसान नहीं होगा जो ये बोल सके कि मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं था जिसके वजह से मैं ये नहीं कर पाया या मैं नहीं बन पाया जो मैं बन सकता था। 2020 दिस ईयर जो लॉकडाउन बना, COVID-19 ने जो लॉकडाउन बनाया उसके वजह से बहुत सारे लोगों को 24 आवर्स का छूट मिला। मींस जहां पे सभी लोग पहले सिर्फ 12 से नहीं मैक्सिमम टू मैक्सिमम 12 घंटा घर में रहते थे या फिर मैक्स टू मैक्स 18 आवर्स घर में रहते थे और 6 आवर्स काम पे जाते थे सपोज़, या फिर कोई भी स्कूल कॉलेज वगैरह में जाते थे, तो आज उनके पास सभी लोगों के पास वो फुल ऑफ 24 आवर्स है। तो इन फ्यूचर कोई भी एक ऐसा इंसान नहीं बोल सकता है कि बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम, ठीक है, उनको टाइम नहीं मिला या फिर उनको एक कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिला कि वो फ्यूचर में सक्सेसफुल नहीं हो पाए। याद रखें सभी के पास सेम वही फील्ड है, सेम प्लेटफॉर्म है, अभी सभी के पास सिर्फ एक ही सोर्स है इनकम या फिर जनरेट करने का या फिर कोई भी एक अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने का, दैट इज़ दी ओनली आइदर टू वन ऑफलाइन और ऑनलाइन, जिसमें से सबसे ज़्यादा शेयर जाता है ऑनलाइन सेक्टर को, ऑफलाइन बहुत ही कम सेक्टर मीन्स कुछ ग्रुप ऑफ एरियाज में ही किया जा सकता है, बट ऑनलाइन, ठीक है, ऑफलाइन के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, वी गो फॉर ऑनलाइन। ऑनलाइन में आप बहुत सारे सर्चेस कर सकते हैं जहाँ से आपको अपॉर्चुनिटीज मिल जाएँ, बहुत सारे फ्रीलांसर्स हैं, बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जो आज भी काम कर रहे हैं, बहुत सारे जो ऐसे भी अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकते हैं इनके थ्रू, जहाँ से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ बन सकते हैं, बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। सो ऐसा कोई इंडस्ट्री मतलब ऐसा कोई लोग नहीं रहेगा इन फ्यूचर जो वो ये बोले कि आई डिडंट गेट चांस टू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन इन फ्यूचर। Myself, we are Xavier from Jorhat, Assam, India. या फिर उल्टा भी बोल रहे हैं, इंडिया असम जोरहाट। याद रहे ये जो लाइन मैंने बोला था, इंडिया असम जोरहाट, वी रिप्रेजेंट आवर कंट्री, देन द स्टेट, देन द डिस्ट्रिक्ट, देन द लोकेलिटी, बट नेशनल लेवल पे ये उल्टा चलता है, वी रिप्रेजेंट आवर डिस्ट्रिक्ट, वी रिप्रेजेंट आवर एज अ स्टेट एंड देन दी कंट्री, बट जब आप ऑनलाइन आते हो यू रिप्रेजेंट द कंट्री फर्स्ट देन दी स्टेट देन दी डिस्ट्रिक्ट। अब सभी के पास एक नया मौका है, ये एक नया ग्रोथ है सभी के लिए। सभी लोग ऑनलाइन पे वेले नहीं है, दे ऑल आर स्टार्टिंग विथ या फिर फ्रॉम ज़ीरो, ठीक है, एवरी वन इज स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो। तो सभी के पास सेम इक्वल अपॉर्चुनिटी है और लास्ट फोर मंथ्स, ठीक है, ऑलरेडी लॉकडाउन को 4 मंथ्स जा चुका है, उसके बाद ये वीडियो बन रहा है। इन 4 महीनों में जिन लोगों ने यूटिलाइज़ किया था वो हो सकता है इन फ्यूचर या फिर इन नियर फ्यूचर दे गेट देयर सक्सेस वेरी सून, क्योंकि जो भी स्टार्टिंग में या फिर सही टाइम में स्टार्ट करता है वही लोग सक्सेसफुल होते हैं। कहते हैं यू शुड बी विद द राइट ऑर्गेनाइजेशन इन द राइट टाइम विद द राइट पर्सन अलॉन्ग विद द राइट मेंटर्स देयर, ठीक है। तो ये सब चीज़ कुछ मैटर करता है और नाउ आई कैन से दिस इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट एनीथिंग, चाहे वो आपका डांस करियर हो, चाहे वो आपका सिंगिंग हो, चाहे वो आपका कोई भी पैशन हो, चाहे वो कोई बिजनेस हो, चाहे वो कोई जॉब हो, चाहे वो कोई एंटरप्रेन्योरशिप रिलेटेड स्टार्टअप रिलेटेड कुछ भी हो, जस्ट स्टार्ट इन दिस टाइम। इन फ्यूचर आप ये नहीं बोल सकते कि आपके पास टाइम नहीं है। मैं बार बार ये चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ, क्यों? बिकॉज बहुत सारे लोग बाद में जाके ऐसे बहाने ढूंढते हैं जिसके वजह से वो लोग बोलते हैं कि लाइक इस कारण की वजह से, इस रीजन्स की वजह से मेरे को अपॉर्चुनिटी नहीं मिला, मेरे पास टाइम नहीं था, मेरे पास ये नहीं था, मेरे पास वो नहीं था, जिसके वजह से मैं आज ये बना हुआ हूँ। मीन्स दे और ही और शी डिडंट गेट हिज और हर सक्सेस। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है, बहुत सारे लोगों को जाना है, उन लोगों से मिला हूँ, उनसे बात किया हूँ, लेकिन उसके बाद मेरे को जब पता चलता है कि सभी लोग यहाँ पे एक दूसरे को सिर्फ कंग्रेचुलेशन देने के लिए तो नहीं पैदा हुए, ही अचीव समथिंग, आप बोलते हो कंग्रेचुलेशन भाई कंग्रेचुलेशन, ही अचीव समथिंग, शी अचीव समथिंग, कंग्रेचुलेशन। कभी आपके दिमाग में ये नहीं आया कि यू शुड बी डूइंग समथिंग फॉर दैट फॉर विच the people around you should be saying congratulations to you.
जब भी मैं देखता हूँ ना किसी को कंग्रेचुलेशन करना होता है, मतलब कि जब भी मैं देखता हूँ किसी को अचीव करते हुए, मेरे मन में आता है व्हाई आई वाजंट इन हिज और हर प्लेस. आई टेक इट एज अ टारगेट, एज अ गोल कि आने वाले इतने टाइम पे मुझे भी कोई ना कुछ कुछ ना कुछ कंग्रेचुलेशन करता रहे या फिर कर रहा हो. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कंग्रेचुलेशन नहीं करना चाहिए, करो, लेकिन साथ ही साथ में एक माइंडसेट बनाओ कि अगर वो देन व्हाई नॉट मी, अगर ये कर सकता या ये कर सकती है देन मैं क्यों नहीं कर सकता या मैं क्यों नहीं कर सकती. इस लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों का लाइफ चेंज होने वाला है, बहुत सारे लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट हुआ था, वापस इस कैटेगरी में आ गए. अनएम्प्लॉयमेंट बहुत सारे लोगों के साथ हुआ था, अनएम्प्लॉयमेंट बूम हो चुका था एंड नाउ बहुत सारे लोग एम्प्लॉयमेंट ढूंढ रहे. बहुत सारे लोगों ने अपना छुपा हुआ पैशंस निकाला. कुछ स्टूडेंट्स थे, कुछ ऑलरेडी जॉब कर रहे थे, उनका पैशन किसी कारण रुक गया था, उन लोग ने अभी वापस से शुरू किया. पॉइंट ये नहीं आता कि कौन कितना कर रहा है या फिर कितना कर सकता था. क्वेश्चन ये आता है, हैव यू स्टार्टेड नाउ, हैव यू स्टार्टेड बिल्डिंग अप योर लिस्ट ऑफ ड्रीम्स, योर गोल्स, योर डेली रूटीन फॉर दैट गोल्स एंड ड्रीम्स. आशा करता हूँ आपको जो भी मैंने जो भी आज बात किया था वो समझ में आया. ठीक है, वीडियो को लंबा नहीं करेंगे. एनी डाउट्स, एनी कमेंट्स, जस्ट DM मी और यू मे जस्ट कमेंट इट बिलो, आई विल बी रिप्लाई. ठीक है, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे होना चाहिए, यू मे ऑल्सो गो फॉर दैट. #VIP इज देयर फ्रॉम इंडिया, असम, जोहट. थैंक यू.